प्रजापति, पूजा आरंभ करने की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। आओ पुत्री, आओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। आज तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा। देव, यक्ष, गंधर्व, तीनों लोक के जितने भी सहयोग वर हैं, सभी के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा। तुम्हारे विवाह का तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई ना सती? जी पिताजी। भिजवा दीजिए। सबसे पहले तुम विवाह के प्रस्ताव पत्र पर चंदन, हल्दी या अक्षत छिड़क कर प्रस्ताव पत्र को और शुभ बना दो। आओ सती। अब आप एक एक कर इन सब पर विधिवत और अच्छा छिड़क दीजिए। क्या हुआ सती? तुम्हारे मुख पर प्रसन्नता का भाव दिख रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ये सोचकर दुखी हो रही हो कि विवाह के पश्चात तुम अपने पिता से दूर हो जाओगी? चिंता त्याग दो पुत्री, मैंने प्रस्ताव पत्र में स्पष्ट लिखवा दिया कि मैं अपनी पुत्री सती का विवाह उसी से करूंगा जो प्रजापति दक्ष का घर जमाता बनना स्वीकार करेगा। मैं तुम्हें अपने से दूर होने की कल्पना भी नहीं कर सकता हूं। अपनी पुत्री को सदैव अपनी आंखों के सामने रखूं। विष्णु शशिवर्धनम चतुर्भुजम् मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ रेवती। जब चंद्रमा ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है तो फिर कुछ दिनों के लिए यहां सती के साथ आकर रहना, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। तुम्हें ये समय चंद्रमा के साथ बिताना चाहिए। साथ रहने से ही प्रेम पनपता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने चंद्रमा को क्षमा नहीं किया है? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है।
मैं तुम्हारी माँ हूँ। संतान यदि माँ से कुछ ना भी कहे तो भी माँ अपने संतान के हृदय की बात जान लेती है। कुछ तो है जो तुम मुझसे छिपा रही हो। माँ तो आप सती की भी है। माँ तुम कहना क्या चाहती हो? सती के साथ पिताजी का मान सम्मान जुड़ा है, इसीलिए आप भी सती को प्रजापति की पत्नी की दृष्टि से देखती हैं। एक बार मां बनकर देखिए, फिर आपको पता चल जाएगा शांत दिखने वाली हमारी सती कितने विशाल ज्वालामुखी को अपने भीतर छिपाए हुए है। तुम कहना क्या चाहती हो? वही जो सत्य है। और सत्य ये है माँ, इस सत्य के मन में केवल शिव बसते हैं और केवल अपने वचनों को पूरा करने के लिए सती शिव से दूर जाने का प्रयास कर रही है और उसका हर प्रयास उसे भीतर ही भीतर खोखला करता जा रहा है। खोखली हो रही है हमारी सती माँ, खोखली हो रही है। क्या ये सती ने स्वयं तुमसे कहा है? नहीं, सती किसी से कुछ नहीं कहेगी। उसने तो अपने दुख में ही सारे परिवार की खुशी मान ली है। ये सत्य नहीं है। यदि ये सत्य होता तो वो शिवलिंग का विसर्जन करने क्यों जाती? आपको क्या लगता है सती शिवलिंग का विसर्जन करने गई है? नहीं माँ, वो अपनी खुशी, अपनी इच्छा और अपने भविष्य का विसर्जन करने गई है। सत्य तो ये है कि वो इस परिवार के लिए अपना बलिदान दे रही है। मुझे तो भय लगता है कि कहीं हम अपनी सती को खो ना दें।